अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जय कोळ्याची पोर। सावी कविता सुगम भारतीय ताटवी। इसके स्पष्टीकरण जानने से पहले जय प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाला हूं। किस्सा एक गरीब किसान का है। एक किसान जो है रोज सुबह उठकर जाए अपने खेती बाड़ी में चले जाता है, खूब मेहनत करता है और शाम को वापस आ जाता है। ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी उसकी चलती रहती है। एक दिन ऐसे होता है कि तपती हुई धूप के अंदर काम करते वक्त जो है, उसे अपने हल चलाते वक्त जो है, एक चमकीला जो है टुकड़ा जो है उसको मिल जाता है। वो चमकीला टुकड़ा मिलने के बाद में उसे लपेट कर जो है, बड़ी हिफाजत से लपेट कर जो है घर पर जो बहुत खुशी खुशी आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई कीमती चीज मुझे जो आज मिल गई है। होता ऐसे है कि वो जो है दूसरे दिन जो है उस चमकीले टुकड़े को लेकर जो है एक सोनार की दुकान पर जाता है, जय जवाहर की दुकान पे जाता है। जय जवाहर की दुकान पे जाने के बाद में, सोनार की दुकान पे जाने के बाद में वो जो है वहां पर बैठ जाता है। वहां बैठने के बाद में जो है क्या होता है कि वो जो सोनार वो जो है उस किसान को देखकर कहता है कि भाई क्या बात है। तो किसान जो है वो अपने पास का टुकड़ा निकालता है चमकीला और उसके हाथ में दे देता है। किसान कहता है, उसे देख लेता और उस किसान को कहता है कि ठीक है अब बैठो, हम बाद में बात करते हैं। और फिर कुछ ग्राहक आते हैं और कुछ हीरे जवाहर जो इनसे खरीद लेते हैं जय। फिर उसके बाद में किसान जो वहां पर बैठा होता है तो वो कहता है, दुकान मालिक सोनार कहता है कि ठीक है आप, मैं इसकी कीमत तो आपको दे नहीं सकता, आप जो है बड़ी दुकान पर चले जाओ। आप जो है जब वो बड़ी दुकान पर जाता है किसान, तो वहां पर ढेर सारे हीरे जो है लगे हुए रहते। लगने के बाद में किसान जो है वहां पर बैठ जाता है। फिर वहां पर जो दुकान मालिक पूछता है कि भाई क्या बात है, तो कहा कि मैंने ये जो है मुझे मिला हुआ है कोई कीमती टुकड़ा है हीरे का। तो जो है वो मालिक समझ जाता है कि ये क्या चीज है, तो बोलता है कि ठीक है आप इसे जो है लेकर यहीं पर बैठो, कुछ देर के बाद में हम बात करें। फिर जो है कुछ ग्राहक आते हैं और वो हीरे जो लेकर चले जाते हैं। तो उन हीरों की चमक और किसान के पास का वो जो टुकड़ा है, वो किसान देखकर समझ जाता है कि ये जो मेरे पास है ये खाली चमकीला जो है शीशा है, बल्कि कोई जो हीरा ये जवाहिर बिल्कुल भी नहीं है। और वहां से वो लौटकर अपने घर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या समझ में आता है कि इंसान की जिंदगी जो है मानो एक चमके हुए शीशे की तरह है। उसे परखने की, उस जवाहर की निगाह जो है हमारे पास में होना चाहिए। अगर हमारे पास में निगाह नहीं है तो हमारी जिंदगी जो है काज, यानी मानो एक जो है हल्के और फुलके जो बेदाम जिसका कोई मोल नहीं, ऐसा जो है टुकड़ा बनकर शीशा बनकर हमारी जिंदगी जो है ये चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको हमारी जिंदगी अगर बेहतर बनाना है तो हमको हीरे जवाहर की जैसी, यानी जो सोनार की जैसी निगाह रखना पड़ेगी और हमको हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव को पहचानना पड़ेगा और हमारी जिंदगी को कामयाब बनाना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर कोळ्याची पोर, इसमें जो सुरेखा गावंडी जो है क्या लिखते हैं कि कोळ्याची पोर वो साहसी होते हैं, यानी वो बचपन से साहस करते हैं तब जाकर वो जो है इतने कामयाब होते हैं। यानी मानो रोज जो है जीने की और मरने की लड़ाई में वो जीतते रहते हैं। तो जो है चलो अब हम जो है कविता देखते।